एक बंदा होगा हिंदुस्तान ये कब बताया बजरंग बली ने तुम? पाकिस्तान। मैंने तुम्हें लड़की वापस भेजने को कहा तुम तो एम्बेसी बंद करा है <laughs> हम परमिशन लेके जाएंगे क्या लेगा भे? हम तारों के नीचे से हाँ लेकिन परमिशन लेके आए अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं भी पाकिस्तान चली जाऊंगी उसको ढूंढने मेरे वजन की भाई को घर जाने से रोक पाए। नमस्कार दोस्तों प्रेम फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं इस फिल्म के लिए निर्माता हैं सलमान खान और वेंकटेश कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस ने बजरंगी भाईजान को सत्रह जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म और चौथवीं हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बजरंगी बायोजन फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि फिल्मफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहाँ से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है, जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद अतुल के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ के चलते पवन और करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाव पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा का हर रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंट से बड़ी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शौक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुमकर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बेसी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बेसी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और इसी का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर भुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंग का सच्चा वक्त है और वो कौन सा भी काम चोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देखकर उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब तो पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जान पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की मां रजिया अजीज यानी की मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देख काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेक पोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमीर सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय उसीदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल खुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान का सीक्वल फिल्म के बारे में एक जिक्र भी किया है और इसके चलते विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी भाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और OTT पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ ही साथ इस फिल्म का रिव्यू भी किया है मिलूंगा दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्मी भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए है कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तो दोस्तो। दोस्तो। ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 918 करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईजन फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बजरंगी बायजन फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान खान और श्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्राप्त किए हैं। हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंगबली के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके मां के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहाँ से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छूट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस श्लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत फैमियों के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे की शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और भरी मैच देख रहे पर सभी को काफी देती है। टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंग का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पावर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके के के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चाद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि वीस को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देख काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म, फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस का रिव्यू भी किया है मिलूंगा दोस्तों आप भाई ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमो फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौशिल मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमाटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड में बजरंगी बाईजान फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग बल्ली के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देख कर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंट से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रेवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ आएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंगबली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहाँ से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद, रहता है। और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर पाक मस्जिद को पहुंचकर कर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार करना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी टी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहिएगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेम फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैन वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनिर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और अठारह लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बायजन फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमोटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है नेशनल फिल्म बायजन फिल्म अवार्ड्स में को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग बली के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गुंगे पन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक ले, तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाख देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ा मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंग बली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख कर उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पावर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके के के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चाद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमीद सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म, फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप भाई ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्मी भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौशिल मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड में बजरंगी बाईजान फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहाँ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गुंगे पन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देख कर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रेवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ आएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंगबली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम चोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर पाक मस्जिद को पहुंचकर कर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार करना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमीश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी टी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैन वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनिर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमोटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बजरंगी फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग बली के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गुंगे पन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानि कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक ले, तो वो उसकी शादी के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा नाशाकाह रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चूमकर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान एंबेसी में छोडाए मगर कुछ कारणों के चलते एंबेसी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आखिरी गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर भुअली से यह कहता है कि वो बजरंग बली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवार को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके के के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चाद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देख काफी इमोशनल हो जाते हैं। मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमीद सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म, फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ ही साथ इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्मी भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौशिल मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म के स्टोरी की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड में बजरंगी बाईजान फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहाँ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देख कर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो की एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रेवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ आएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंगबली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम चोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख कर उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पावर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर पाक मस्जिद को पहुंचकर कर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जान पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहर को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार करना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमीश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी टी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी है इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमाटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनिर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स पौ। के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म फिल्म अवार्ड्स में को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गुंगे पन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर कर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक ले, तो वो उसकी शादी रसीका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंट से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाख देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर भुअली से यह कहता है कि वो बजरंग बली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवार को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके के के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चाद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देख कर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान का सीक्वल फिल्म के बारे में एक जिक्र भी किया है और इसके चलते विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्मी भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौशिल मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म के स्टोरी की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमाटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड में बजरंगी बाईजान फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत फहमियों के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक ले, तो वो उसकी शादी रसिका के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंगबली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम चोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख कर उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर पाक मस्जिद को पहुंचकर कर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार करना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 दो में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है मिलूंगा दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी है इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनिर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बजरंगी फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग बली के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल्य उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गुंगे पन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती है। अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत फैमियों के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक घर ले तो वो उसकी शादी के साथ करेगा अब आगे की कहानी में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंस से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शाख देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ा मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आखिरी गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहां से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर भुअली से यह कहता है कि वो बजरंग बली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम छोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देख उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवार को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर एक पाक मस्जिद को पहुंचकर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके के के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चाद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म, फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म के लिए कहानी लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी हैं। इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीत मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौशिक मुनीर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी बाईज फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिमेटोग्राफी डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड में बजरंगी बाईजान फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहाँ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल उद्देश्य पाँच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के कारण उससे ट्रेन छुट जाती अब यह है शाहिदा के बारे में अब अगर बात किया जाए पवन के बारे में तो वो कुरुक्षेत्र को किसी काम के लिए आता है अब वास्तव में पवन प्रतापगढ़ नामक शहर से रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहता है और जो कि उनके पिताजी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी यानी कि अतुल श्रीवास्तव के साथ रहता है पवन बचपन से ही पढ़ाई में काफी पीछे रहता है और साथ ही साथ उनके पिताजी द्वारा सिखाए गए पहलवानी में भी रुचि नहीं दिखा पाता है पवन दसवीं कक्षा में दस बार फेल होता है और बारहवीं से ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए उसे बीस साल लग जाते हैं और इसके चलते पवन के उत्तीर्णता को लेकर पवन के पिताजी को कोई आशा नहीं रहती है और इसके साथ पवन के पिताजी उसे दिल्ली उनके दोस्त दयानंद पांडे यानी कि शरद सक्सेना के पास भेजने का निर्णय करते हैं ताकि पवन को वहां पर कुछ काम मिल सके और जब एक दिन पवन उनके पिताजी से यह कहकर उन्हें शौक देता है कि वो ग्रेजुएशन में पास हो गया है तब पवन के पिताजी उस शौक से इस लोक से अलविदा लेते हैं अब हमारे पवन दिल्ली शहर में कदम रखते हैं और बस में उसकी भेंट रसिका के साथ होती है यानी कि करीना कपूर के साथ जो कि बस में छुट्टा के लिए होती है अब पवन दयानंद पांडे के घर पहुंचता है और वहां फिर उसकी भेंट रसिका के साथ होती है और रसिका जो कि दयानंद पांडे की बेटी रहती है और फिर कुछ गलत के चलते पवन और रसिका करीब आ जाते हैं मगर दयानंद पांडे पवन को यह शर्त रखता है कि अगर वो अपने पाओ पर खड़े होकर खुद की एक ले, तो वो उसकी शादी रसिका के साथ में पवन शाहिदा को दयानंद पांडे के घर लाता है और जहाँ शाहिदा पवन को तरह तरह के शौक देती है जैसे कि शाहिदा ना शाकाहारी रहती है और उसके बाद शाहिदा मोमिडिन है और एक दिन दयानंद पांडे के घर में सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचक और टेंट से भरी मैच देख रहे होते हैं और जहां इस मैच में इंडिया हार जाती है तो शाहिदा वहां पर सभी को काफी शक देती है टीवी पर पाकिस्तान के झंडे को चुम कर और इसके साथ दयानंद पांडे पवन पर काफी भड़क उठता है और यह कहता है कि शाहिदा को दिल्ली के पाकिस्तान अम्बासी में छोड़ाए मगर कुछ कारणों के चलते अम्बासी के कार्यों को बंद करना पड़ता है अब दयानंद पांडे एक ट्रैवल एजेंट का हल निकलता है शाहिदा को पाकिस्तान भेजने के लिए और वह एजेंट इसके लिए ढाई लाख रुपए पूछता है अब पवन और ऋषि का पैसों का प्रबंध करते हैं मगर यह ट्रैवल एजेंट गलत लोगों के हाथ शाहिदा को बेचता है और जब पवन को इस बात की पुष्टि होती है तब वो सभी को ट्रैवल एजेंट के साथ काफी पीटता है और शाहिदा को वहां से ले जाता है और ये ठान लेता है कि अब शाहिदा को वो खुद पाकिस्तान में उसके घर छोड़ाएगा और इसके चलते पवन को बॉर्डर के आकेरे गांव पर बुअली मिलता है जो कि पवन से कुछ पैसे लेकर उसे और शाहिदा को बॉर्डर पार कराता है और कुछ लोगों के साथ अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचिक बन जाती है अब पवन उस स्मगलर बुअली से यह कहता है कि वो बजरंगबली का सच्चा भक्त है और वो कौन सा भी काम चोरी छुपे नहीं करेगा और कहता है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेकर ही पाकिस्तान में कदम रखेगा और इसके चलते जब वो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन लेता है तब पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे काफी डराती है धमकाती है और उसे मारती भी है मगर पवन के सच्चाई को देखकर उसे परमिशन दे देती है अब इसके साथ दोनों पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और तभी कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं और शाहिदा वहाँ नाश्ता करते हुए पुलिस वालों की हथकड़ी चुरा लेती है और तब पुलिस इनका पीछा करते हुए इनके पास से हथकड़ी बरामद करते हुए पवन से तारों के नीचे से आने की सच्चाई और उनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण पवन को एक जासूस के तौर पर मानते हुए इन्हें पुलिस थाने को ले जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो कि इनसे इंटरव्यू लेते हुए इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है और तभी पवन उन पुलिस वालों को पीट कर वहां से भागता है और फिर इनका पीछा करते हुए चांद नवाब इनके बस में चढ़ जाता है और बस में पवन की सच्चाई सभी को पता चलती है कि वो यहाँ पर बच्ची को पाकिस्तान में उनके माँ बाप के पास छोड़ने आया है और फिर चांद नवाब पवन और शाहिदा को बस का कंडक्टर एक महफूज जगह पर छोड़ता है और वो एक मस्जिद रहता है और फिर उस मस्जिद में एक नेक इंसान मिलता है यानी कि ओमपुरी जो कि इन्हें उनके बाइक पर महफूज जगह पर छोड़ता है क्योंकि पवन को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शाहिदा पाकिस्तान में कश्मीरी घाटियों में रहती है और ये तीन काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन घाटियों को पहुंचते हैं मगर शाहिदा के घर को ढूंढ नहीं पाते हैं इसके चलते पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट कामिल यूसुफ यानी कि कुशल पवर को पकड़ती है और उसे काफी पीटती है और चांद नवाब को फोन लगाने कहती है और फिर पवन और चांद नवाब वहां से कुछ दूरी पर पाक मस्जिद को पहुंचकर कर शाहिदा के लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चांद नवाब उसके कैमरा से पवन और शाहिदा के कई वीडियो फुटेजेस शूट करता है और इन सब को यूट्यूब में अपलोड करता है ताकि ये फुटेज शाहिदा के माँ और पाप तक पहुंच सके और इस मस्जिद में इनके साथ पुलिस चांद नवाब के असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचती है क्योंकि एक दिन पहले चांद नवाब को कमिल यूसुफ फोन फोन में बात करता है और फिर ये तीन पुलिस को देखकर कर वहां से भाग चलते हैं फिर उसी दिन शाहिदा को उसकी माँ वहीं पर चांद नवाब के कैमरा में दिख जाती है और ये तीनों को उसके माँ के बस के बारे में पता चलता है और उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शाहिदा जिला सुल्तानपुर से है मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उस इलाके में नाकाबंदी कर देती है फिर पवन इन सब के चलते एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो जानबूझकर पुलिस को मिल जाता है और उनसे भाग चलता है इसके साथ चांद नवाब शाहिदा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ता है और फिर अचानक शाहिदा की माँ रजिया अजीज यानी कि मेहरवी को शाहिदा दिख जाती है और फिर थिएटर में दर्शक इन दोनों के मिलने वाले सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं मगर उसी समय पुलिस से भागता हुआ पवन को उनके गोली का शिकार बनना पड़ता है और फिर इसके साथ पवन को एक जासूस के तौर पर पुलिस ट्रीट करती है मगर पाकिस्तानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमीद को पवन के बारे में सब सच्चाई मालूम पड़ती है और जिसके चलते वो हर हालत में पवन को बॉर्डर पार कराना चाहता है और उसे उसके घर को बेचना चाहता है और फिर इसके चलते चांद नवाब भी उनकी मदद करता है अपनी एक और नए वीडियो के साथ यूट्यूब में और सैटेलाइट चैनल के जरिए पवन और शाहिदा के बारे में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मालूम चलती है और इन वीडियो में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सब नारोवल चेकपोस्ट के पास आए और भजरंगी भाईजान को उसके घर जाने में उसकी सहायता करे और फिर हजारों तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनके साथ रसिका और दयानंद भी उनके परिवार के साथ पहुंचता है और फिर हमेश सर पवन को वहां पर ले आता है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और जिनकी बात पाकिस्तानी आर्मी मान लेती है और फिर पवन को पाकिस्तानी प्रजा भजरंगी भाईजान के नारे से उसे वहां से विदा करती है ठीक उसी समय शाहिदा भी उसके माता और पिता के साथ वहीं रहती है जो कि पवन को पुकारने की कोशिश करती है और फिर अचानक उसके बोल कुल जाते हैं और वो जोर से मामा कहकर पुकारती है और फिर पवन काफी संतुष्ट हो जाता है और शाहिदा को गले लगाकर उसे ऊपर उछालता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों 2021 में सलमान खान ने बजरंगी बाईजान फिल्म की कहानी को तैयार कर रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है तो दोस्तों बजरंगी बाईजान ब्लॉकबस्टर फिल्मी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है और इस फिल्म को लोग अभी भी टीवी पर और रोटी टी पर देखने में काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी बजरंगी भाईजान फिल्म के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट्स और साथ साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया है दोस्तों आप सबसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहेगा प्रेमा फिल्म भारत और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा शुभ दीपावली बाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों प्रेमा फिल्मी भारत के तरफ से आप सबको शुभ दीपावली बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, है।, है विजेंद्र प्रसाद ने जो कि एक पटकथा लेखक भी है इस फिल्म के लिए निर्माता है सलमान खान रॉकलैंड वेंकटेश और कबीर खान इस फिल्म के लिए सिमोटोग्राफी किया है अजीम मिश्रा ने डायलॉग्स लिखे हैं कबीर खान और कौसर मुनिर ने एडिटिंग किया है रामेश्वर भगत ने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया है प्रीतम और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैके ने बजरंगी भाईजान को 17 जुलाई 2015 में पचहत्तर करोड़ के बजट पर बनाकर रिलीज किया गया था और जो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौ करोड़ और 18 लाख रुपए कमाए हैं बजरंगी भाईजान फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से काफी सराहना प्राप्त हुई है इस फिल्म के स्टोरी की स्टोरी लाइन डायलॉग्स संगीत सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन और कैस्ट परफॉर्मेंसेस जैसे कि सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा के लिए और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण ये फिल्म एक अच्छी कमर्शियल सक्सेस फिल्म साबित हुई है और इसके साथ ये फिल्म सातवीं हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म और चौथवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तिरसठवे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बजरंगी फिल्म को काफी अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के लिए इस फिल्म को एक प्रसिद्ध फिल्म का दर्जा देते हुए नेशनल फिल्म पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है इसके अलावा इस फिल्म ने इकसठवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए श्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और श्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं हालांकि इन फिल्ण 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 पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए श्रेष्ठ कहानी के लिए वी विजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इन सबके साथ चाइना के 2015 हजार डॉबन फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने नामांकन प्राप्त किया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी लाइन की और जहां इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बजरंग के परम भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान के साथ जो कि काफी साफ दिल और दयावान इंसान रहता है और एक दिन पवन को एक पांच साल की गूंगी बच्ची मिलती है जो कि उसके माँ के साथ पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया को समझौता एक्सप्रेस से आती है और इसका मूल उद्देश्य पांच साल आने के बाद भी बच्ची के गूंगेपन के कारण और जहां इस बच्ची का नाम रहता है शाहिदा यानी कि हर्षाली मल्होत्रा और फिर यहां से जब ये दोनों वापस ट्रेन से पाकिस्तान को जाते हैं तो पाकिस्तान के काफी नजदीक इस ट्रेन को कुछ पटरियों के काम के लिए रोक दिया जाता है और जब ट्रेन में सब सो जाते हैं तब ट्रेन के बाहर एक छोटी सी बकरी को देखकर शाहिदा ट्रेन से उतरती है और उस बकरी के पास जाती है तब ट्रेन अचानक शुरू हो जाती है क्योंकि शाहिदा ट्रेन से काफी दूर रहती है और काफी छोटी होने के